अभी जो आपने वीडियो देखा वो एकदम सही देखा है, और जो आप अभी मैच देख रहे हैं वो भी सही देख रहे हैं। जी हाँ, जो आपको दिख रहा है वो कोको कोला की बॉटल है। जी वो सॉफ्ट ड्रिंक है। या आप, मैं आपको बता दूँ, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये हार्ड इन नेचर होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक की कंपेरिजन में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, हम इसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन यानी कि प्रोडक्शन लाइन में उसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही कि COVID-19 का भी सीज़न चल रहा है, तो हर चीज़ ऑन द स्पॉट प्रोवाइड होना बहुत मुश्किल है। कोई भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जैसे कि हम क्लीनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, फिर हमें कोई भी हम प्लास्टिसाइजर कुछ भी यूज़ करते हैं, अगर वो चीज़ नहीं होती है तो हम उसकी जगह ऐसा क्या कर सकते हैं हम नॉन टेक्निकल फेज़ में, कि हमारा जो टेक्निकल में काम आ जाए और हमारा नॉन टेक्निकल हो। तो उसी वजह से उस कंडीशन में हमने देखा कि हमारे पास क्लीनिंग एजेंट नहीं था, जिससे कि हम अपनी मशीन को साफ़ कर सकें इंटरनली, और कई सारे डिफेक्ट्स हैं मोल्डिंग के उसे हम इम्प्रूव कर सकें। तो हमने देखा कि हमारे पास क्लीनिंग एजेंट नहीं था इस टाइम COVID-19 के ड्यूरिंग चल रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक कोल्ड ड्रिंक ली, सॉफ्ट ड्रिंक जो कोको कोला के लिए, ये हार्ड इन नेचर होती है। इसको हमने क्या किया, बैरल में डाला। बैरल में डालने के बाद हमने इसको स्क्रू को साफ़ किया। हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हम इसमें ब्लैक स्पॉट को हटा सकें। देखिए, ये हमने इसलिए किया तो क्योंकि अभी इस टाइम हमारे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं हो रही थी, तो हमने नॉन टेक्निकल चीज़ को टेक्निकल में यूज़ करके उसे इस तरह स्टैंडर्डाइज किया है कि हमारा जो एकदम जो स्क्रू है वो अच्छी तरह साफ़ हो चुका है। तो इसकी नॉलेज भी होना आपको बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कि जब हमारे पास ऐसी कंडीशन ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम इससे कैसे फेस करेंगे, कैसे ओवरकम होंगे और कैसे इंप्रूवमेंट देंगे। आप देख सकते हैं ये जो आपको बॉटल दिख रही है वो कोका कोला की है, और हम इसे किस तरह साफ़ करेंगे आज ये आपको बताते हैं। तो देखिए, हमने थोड़ा सा पीपी मटेरियल यानी पॉलीप्रोपाइलीन, इसको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा अमाउंट में डाला, जितने हमें नीड है और जितना हमारा वॉल्यूम है हमारे स्क्रू का। आप देख सकते हैं इसमें हल्की हल्की धीरे करके हमने प्लास्टिक के पैलेट्स हैं वो हमने डाल दिए, या फिर रॉ मटेरियल कहते हैं हम जिसको, ये हमने इसमें के अंदर डाला है। तो देखिए, इसे डालने के बाद हमने क्या किया, आप गौर करके देख सकते हैं। आप ये देखिए, आपको कुछ ये ड्वेल्स और ड्रिल होना शुरू हो रहा है, ये थोड़ा डाउन में गिर रहा है। आप गौर करके देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा रॉ मटेरियल है जो मेल्ट की फॉर्म में निकल रहा है बाहर। ये हुआ कैसे, आइए आपको दिखाते हैं किस तरह हुआ और कैसे ये प्रोसेस होती है। ये आप देखिए, ये काफ़ी अमाउंट में निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा, ये हमारी क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। आप देख सकते हैं, ये हमने थोड़ा सा अमाउंट में रॉ मटेरियल के बाद हमने इसमें सॉफ्ट ड्रिंक डाली है, और थोड़े थोड़ा डालेंगे जैसे हमारा नीड है, जैसे हमने थोड़ा थोड़ा रॉ मटेरियल को डाला था। अब ये वही नॉर्मल प्रोसेस होती है इंजेक्शन मोल्डिंग की, जो बेसिकली होती है वैसे ही धीरे धीरे होकर वो मटेरियल अब आपको बाहर निकलता हुआ देखा है आपने, ये देख सकते हैं। तो ये किस लिए यूज़ हुआ ये हम आपको बताते हैं, ये आप देख सकते हैं, अभी सुनिए वीडियो। किस लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको ब्लैक स्पॉट हटाने के लिए। जी आप देख सकते हैं, ये ब्लैक स्पॉट के लिए यूज किया गया है, ताकि हमारा हम जो मशीन है ब्लैक स्पॉट हट जाए, क्योंकि हमारे पास क्लीनिंग एजेंट नहीं था तो इस कंडीशन में किया। ये आप देख सकते हैं, इसे धीरे धीरे थोड़ी सी डाली है और ये दूरा सा हमने मटेरियल को डाला है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, कब तक रहती है, जब तक कि हमारा बैरल अच्छे से साफ नहीं हो जाता। ये प्रोसेस ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है, और ये हैंड प्रोसेस होती है, इसे हम अपने हाथों से करना पड़ता है। ये धीरे धीरे होती है, देखिए फिर से हमने डाला, अगेन ये प्रोसेस करी। अब ये थोड़ी सी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक के अमाउंट को डाला है और थोड़े से हमने रॉ मटेरियल को डाला है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये कोल्ड ड्रिंक जा रही है और ये हमारा मटेरियल साफ होकर इस तरह निकलता है, ये हमारा क्लीन होकर निकला है रॉ मटेरियल मेल्ट की फॉर्म में। इसको बनाने का और आपको दिखाने का एक ही मोटिव था, कि आप हमारे टेक्निकल फेस के साथ नॉन टेक्निकल में मजबूत हैं, और उस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को आप नोटिस करें, इग्नोर ना करें, और हर छोटी चीज़ को इस तरह स्टैंडर्डाइज करें कि उसका लेवल, उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाए। इस वीडियो को दिखाने का एक यही मोटिव था कि आपको अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको नेसेसरी चीज़ ऑन द स्पॉट नहीं अवेलेबल होती है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो ये बस इसलिए था, ये आई नो इज अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल एजुकेशन, बट इट्स हैव कंपल्सरी टू नो यू दैट इट इज़ वेरी यूजफुल टू यू एंड प्ले अ मेजर रोल फॉर द वाइटल सिचुएशंस। यू हैव टू बी केयरफुल एंड अवेयर फॉर दी ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसका यही मतलब है कि आप हमेशा हर चीज़ के लिए सतर्क रहें कि आपको किस तरह चीज़ को फेस करना है। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे बताइए, मैं आपको, आप मुझे कॉमेंट करिए, मैं आपको जरूर हर तरह की वीडियो बना के दूंगा, और इस वीडियो को ऐसी मोटिव यही कराता रहूँगा, आपको मोटिवेशन दूंगा कि हमें हर कंडीशन में तैयार रहना है, और हमें डेली लाइफ की चीज़ें भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग लाइफ में ऐसा भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से रखें, आप इसे इग्नोर ना करें, ये बहुत हेल्पफुल होता है आपकी नॉलेज को अवेयर करने के लिए।